नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है विविध परीक्षाओं में आए प्रश्नों का संग्रह, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी परीक्षाओं में, यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। सामान्य ज्ञान। भारत का इतिहास एवं संस्कृति। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुखिया को क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ किस साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? समुद्रगुप्त के संबंध में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था? नवसहस्रांग चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजक किसके द्वारा रचित है? कबीर के द्वारा। निम्न चित्रकारों में से किसे सिरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? अब्दुल समद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के समय मेवाड़ का राणा था उदय सिंह। 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का राणा उदय सिंह था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 86 किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? गांधी जी ने। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सिपकीला दर्रा हिमालय किस घाटी में स्थित है? कुल्लू घाटी में। केरल का कुटानाड या कुटानाडु प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था में बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? मिलुटिन मिलन कोलिच ने। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से किस 1000 जिलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड को 1000 जिलों का देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 2.4%। भारी हिमालय को निम्नलिखित किस रूप से भी जाना जाता है? शिवालिक। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है। संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन है संविधान से संबंधित। भारतीय संविधान लिखा गया है 2 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष से कम अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11 मूल कर्तव्य। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। संसद से तात्पर्य है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने कार्यों के निष्पादन में किसे सविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को। निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के गैर सदस्य द्वारा की जाती है? राज्यसभा। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा के पास।
हमारे संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं? भाग 6 में। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों का अवैध व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 23। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो कृषि एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जो भारत और विश्व के संदर्भ में है। शब्द संक्षेप CRRC इंगित करता है कैश बे। विश्व के कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में। सिंगापुर में केंद्रीय बैंक एवं वित्तीय नियामक प्राधिकरण को जाना जाता है मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त संस्था है संवैधानिक निकाय। हाल ही में दोबारा शुरू की गई किसान विकास पत्र योजना में न्यूनतम लॉक इन पीरियड है 2 वर्ष 6 माह। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में। किस ऊर्जा का भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है? थर्मल पावर का। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में। आगे के क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्हें जम्मू कश्मीर के जोरावर स्टेडियम में 1 मार्च 2015 को जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी, वे राज्य के 12वें मुख्यमंत्री हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। निम्नलिखित देशों में से कौन सा WRA द्वारा 2015 में बनाए पर्यावरणीय लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान पर रहा? लिथुआनिया। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है? पंजाब। विजिट इंडिया ईयर इन चाइना कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस नगर से हुई? बीजिंग से। शहरी गरीबों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस भारतीय राज्य ने अप्रैल 2015 में आहार योजना की शुरुआत की है? ओडिशा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। दुनिया का समलैंगिक विवाह पर पहला जनमत संग्रह आयोजित किया गया आयरलैंड में। द लाइव्स ऑफ अदर्स पुस्तक लिखी गई है नील मुखर्जी द्वारा। यूके में मेयर पर निर्वाचित होने वाली एशियाई मूल की पहली महिला है हरभजन कौर धीर। आगे सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। पराध्वनीय गति का मापकांक किस इकाई में होता है? मैक में। रासायनिक रूप से जंग होती है आयरन ऑक्साइड। ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है डेब्सन। दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं अणु। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? वैलियम। सामान्य प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? तरंग दैर्ध्य। मशरूम किसके उदाहरण है? फंजाई कवक के। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नमी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। ये थे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।